देखो मेरे को छुपा दिया। ओ भंग पिए मेरा भोला शिव जी जिसके लंबे लंबे के। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती हुई है। थोड़ा ये देखिए यहाँ पे खड़ा के खुशबू सूंघ रहा है पूरी का। कटोरिया बना दी इसने पूरियों की। पूरी जला दी। गुड मॉर्निंग माय लवली एमवी फैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। अच्छा था ना थोड़ा डिफरेंट इंट्रो। सो वेलकम बैक माय लवली फ्रेंड्स। और आज है शिवरात्रि, तो आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। बम बम भोले। शिवरात्रि मतलब एक बहुत ही मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड एक फेस्टिवल है, एक दिन है जिसको मैं बहुत प्यार से याद करती हूँ। तो चलो दिन में पूरे दिन शेयर करेंगे। अभी तो उठे हैं, आरण्या को धक्का देके नहाने भेजा है, वो नहा रही है, उसके बाद हम नहाएंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर मैं मिलती हूँ उसके बाद। जल्दी निकलो, उसको ना इतनी आवाज देनी पड़ती है ना, आरण्या को निकलती ही नहीं है। पता नहीं पहले घुसेगी नहीं, घुसेगी तो निकलेगी नहीं। सो जब तक वो नहा रही है, छोटे मोटे काम वही कर रही हूँ, आलू वगैरह ना धो के रख देती हूँ, लंच वगैरह मैं बना लूंगी। मैं सोच रही हूँ आलू की सब्जी वगैरह ही बना लूँ, बिकॉज फिर रात को भी फिर मन नहीं करता ना फास्ट के बाद, फिर बनाने का मन नहीं करता। तो आलू की सब्जी आज तो वैसे ही पूरे दिन बिना प्याज और बिना उसके बनना है। मैंने भी फास्ट रखा है। सुभाष को मैंने बोला मत रख, सुभाष को ना माइग्रेन का बहुत इशू रहता है, तो पर सुभाष ने बोला रखना है तो रख लिया सुभाष ने। सुभाष भी शिव जी के बड़े भक्त हैं। मैंने कम से कम 15-16 साल फास्ट रखा शिव जी का ना। मैंने भी बचपन से एवरी मंडे। अच्छा हाँ एवरी मंडे। सो हाँ एक्चुअली भूल ही गई थी मैं, एवरी मंडे पहले सुभाष बचपन से ही फास्ट रखा था सुभाष ने। तो मैंने भी सुभाष के साथ शादी के बाद कंटिन्यू किया उसको काफी टाइम तक, लेकिन फिर हम दोनों को माइग्रेन का इशू आ गया, तो हमने फर्स्ट मंडे और लास्ट मंडे करना स्टार्ट किया। फिर धीरे 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 वो छोड़ दिया, कुछ उद्यापन नहीं किया, उद्यापन करना बाकी है उसका। तो घर पर मम्मी जी वगैरह ने बोला कि ठीक है आप जब आओगे तब एक बार पूजा कर लेना, तो हमने वो मंडे का फास्ट अभी नहीं कर पाते हैं जस्ट हेल्थ रीजंस की वजह से। तो आज पता नहीं शिव जी का शिवरात्रि में तो हम लोग करते ही है ना, लास्ट बार तुमने किया था क्या? याद नहीं, मैं तो करती हूँ हर बार। और मैं भी बचपन से भी, मैंने शिवरात्रि का व्रत बचपन में ही स्टार्ट कर लिया था। मतलब हमारे हम आर्मी में थे ना, तो बगल में एक आंटी करती थी, मम्मी तो करती थी पर एक आंटी करती थी, तो पता नहीं मैं थिंक मैं थर्ड की फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, तब से मैंने शिवरात्रि का व्रत रखना स्टार्ट किया है। सो यस लॉट्स ऑफ मेमोरीज। तो अभी भाई छोटे मोटे काम कर रहे हैं, सुभाष डिश वॉशर अनलोड कर रहे हैं, तो एक बार अनन्या मैडम निकले फिर हम घुसे हैं। तो दो बाथरूम, लेकिन एक बाथरूम में हम ज्यादा यूज करते हैं, दूसरा बाथरूम तो पता नहीं हम यूज क्यों नहीं करते हैं। ऐसे कंफर्टेबल हो जाते हैं ना काफी बार कि भाई होते घर में 3-4 बाथरूम भी अगर हो ना, तो भी एक बाथरूम वो होगा जिसके पीछे सब पड़े होंगे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है बट ऐसा होता है। तो चलो एनीवेज फ्रेंड्स, मैंने कहा था मैं आपको पूजा के बाद मिलती हूँ, तो अनन्या मैडम निकलेंगी तो पूजा करेंगे हम लोग, नहाएंगे। तो चलो अभी फटाफट ये वाले काम करते हैं क्योंकि किचन के छोटे मोटे काम रह गए हैं, तो ये भी अभी हो जाएगा। हो गया सुभाष? डिश वॉशर का रिव्यू भी रहता है, आप लोगों में से काफी फ्रेंड के मुझे रिमाइंडर्स आ रहे हैं, तो गिव मी सम टाइम, वो भी मैं लेके आऊंगी। फ्रेंड्स हो गया मेरा शावर लेना, मैंने पहना ये वाला कुर्ता, इसका आपको डिटेल्स चाहिए तो मेरे मीशो हॉल में मैंने डाला था, तो उसमें आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। तो अभी करते हैं पूजा और उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ बाद में, और मुझे चाय पीने का इतना मन कर रहा है ना, तो पूजा करके पहले चाय बनाएंगे। सो मैं और अनन्या रेडी। कौन है सबसे लेट इस घर में? हमेशा कौन होता है सबसे लेट? ये इंसान बिल्कुल नीला नीला, आज सुबह नीला कुर्ता पहनने का मन कर गया सुभाष को। आज है नीलकंठ का दिन है आज। लंबू लंबू दिखता ही नहीं, हम दोनों सेम फ्रेम में आते ही नहीं है। ऐसे ऐसे पकड़ो। हाँ अब ठीक है, थोड़ा नीचे करो। कैमरे की तरफ पकड़ लिया। देखो मेरे को छुपा दिया। ये ले लो ऐसे ऐसे। सी कहते थे ना बचपन में, कहते ना शिव जी की पूजा करते हैं अच्छे पति के लिए। वैसे मैंने कभी नहीं किया, मेरे एग्जाम्स आने वाले होते थे तो उसके एग्जाम के लिए करती थी। हाँ मैं एग्जाम्स के लिए किसी के लिए भी नहीं करती थी, बट हाँ एग्जाम्स क्योंकि फाइनल एग्जाम्स का टाइम होता था। ये देखो ये अच्छा पति की बीवी को छुपा दे पीछे, देखो। बट यस अगर ऐसा है सच्ची में कि शिव जी की पूजा करने से अच्छा पति मिलता है, तो आई थिंक आई गॉट अ नाइस हस्बैंड। आई डोंट नो दैट इज ट्रू बट इट्स बोथ वे, आई डोंट नो, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट। चल पूजा करते हैं। हाँ अनन्या फूल लगाएगी, वाह एक फूल लगाया है। एक निकाल दिया अनन्या। हाँ वो लगा के मानेगी, वो छोड़ेगी नहीं। ऐसे नहीं ऐसे हल्का सा ऐसा टिका दो। वाह यस, यहाँ पे है रजनीगंधे का फूल का माला भगवान के लिए। मुझे रजनीगंधा फूल इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी लगती है इसकी खुशबू। चलो हो गए हमारे बाबा रेडी, यहाँ पे बिल्कुल रेडी है हमारे शिव जी। नीचे पूरा धो, लो
खाए मेरा बैल नाथिया, क्या खाए गणेश, क्या खाए मेरा बैल ना, खाए मेरा बैल नाथिया लड्डू खाए गणेश। भंग पिए मेरा भोला शिव जी, जिसके लंबे लंबे केस, जिसका साधु जैसा वेश, मेरा भोला है भंडारी जट्टाधारी अमरी, मेरा भोला विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। आज तुम लगता है आज का डे इज डेडिकेटेड टू चाइल्डहुड मेमोरीज। कितनी प्यारी लगी ऐसे बाल बना के नीचे। मामू जी का मेला कौन सा, हमारे टाइप अलग गाने होते थे। सिक्योरिटी वाला आया है, क्या लाया है, चिट्ठी लाया है, सिक्योरिटी वाला चिट्ठी लाया है। सिक्योरिटी डाकिया वाले को लेके आए। चाय पीने का इतना वो होता है ना, तो जस्ट फाइनली चाय पी लिया है, अब रिलैक्स, अभी बनाएंगे लंच और अनन्या रेडी होगी, वो कहते इसको खेलने जाना है, कल अनन्या का कंप्यूटर का एग्जाम है, सुबह से कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, वैसे इसने कल कर लिया था तो आज रिवाइज ही करना है ना अनन्या। हाँ? दोपहर को करोगी ना लंच करने के बाद पढ़ाई? फाइन नहीं करना पड़ेगा, कल एग्जाम है इनका। सही है ना, एनुअल एग्जाम में सिर्फ तीन तीन लेसन, हमारे टाइम में तो एनुअल एग्जाम में पता है आपको पूरी की पूरी बुक आती थी, फुल बुक, फुल बुक, यस फुल बुक। तो अनन्या अभी जा रही है खेलने के लिए, और सुबह से ना आज अनन्या को हमने बहुत सारे गाने सुनाए ना। अनन्या एक सुनाओ गाना, कौन सा वाला आपका फेवरेट है? सुबह सुबह लो शिव का नाम। हाँ, बचपन में जब भी शिवरात्रि होती थी सुभाष सुनारे भी होता था ना ऐसे ही, सुबह सुबह लो शिव का नाम, मतलब बिल्कुल बचपन गाना। मेरे को तो शिवरात्रि ने बताया ना, बचपन की याद आ जाती है, है ना नन्या? तो आज हम वही अपनी तरफ से जितना हो सके इतनी कोशिश मैं कर रही थी कि मैं जब शिवरात्रि के बारे में यू नो सोचती हूँ तो मेरे जैसे मेमोरीज रहते हैं कि सुबह सुबह मम्मी, इनफैक्ट वहाँ पे हम क्वार्टर में रहते थे, आर्मी के हैं बैकग्राउंड मेरा, तो सबके घर में ना ये गाने चलते थे, टी सीरीज के कैसेट, गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल के गाने, भजन का कैसेट सबके पास होता था ना टेप रिकॉर्डर में। राम अनन्या ने एक्चुअली वो गाना सुना ना सुबह सुबह लो शिव का नाम, तो उसमें वो अरुण गोविंद गोविल अरुण गोविल है ना उस एक्ट में, तो वही अनन्या को राम एज अ कैरेक्टर रामायण का बहुत पसंद है ना, तभी तो वही आज अनन्या को मैं वही कोशिश कर रही थी कि मेरी बचपन की जो यादें हैं वो मैं अनन्या की तरफ ट्रांसफर कर सकूं, ताकि अनन्या भी जब बड़ी हो जाए तो बोले बचपन में मैं ये गाने सुना करती थी, मम्मी सुबह सुबह गाने लगा देती थी शिव जी के। कौन से गाने सुन रहे थे आज सुबह हम? कौन से गाने सुन रहे थे? शिव शंकर को जिसने पूजा, नहीं, ओम जय शिव ओंकारा, उसका भी उद्धार हुआ अंत काल को भवसागर में। पता को याद रहेगा ना ये सब कुछ जब तो बड़ी हो जाएगी, कि मम्मा ये सब गाने लगाती थी, पर अन्या पास ऑन करेगी नेक्स्ट जनरेशन को ये सब गाने, है ना। जा जा जा, तो अन्या को वो गाना बहुत पसंद आया, बाय आ जाना लंच टाइम पे, मैं आवाज लगाऊंगी। और ये फ्रॉक तो उसका फेवरेट हो गया है, जब देखो तब ये फ्रॉक पहन लेती है अनन्या, बहुत प्रिटी है। हाँ चलो बाय। So, मतलब सच्ची में ना बचपन का, और वो ना एग्जाम का टाइम होता था हमारा, तो पढ़ाई करती थी पूरा दिन, फुल डे फास्ट रखती थी, और अगले दिन सुबह उठ के पूजा करके फिर फास्ट खोलती थी, तो मम्मी मूरी और आलू भाजा देती थी। चलो बहुत लंबा हो गया ये टॉक, अभी क्या करना, बचपन की बातें आती हैं तो याद आती है सब चीजें। तो चलो लंच बनाते, यहाँ पे एक बाबू यहाँ पे आलू रखा था, आलू बॉयल हो गया, अन्य अपने गुल्लक से पैसे निकाल रही है ना अनन्या, अभी तक निकली नहीं है बाहर। एक्चुअली अनन्या को हमारे यहाँ पे सोसाइटी में ही, मैं कर दूंगी, आप छोड़ दो सोसाइटी में ही शॉप है ना, ग्रोसरी स्टोर, तो अनन्या को थोड़े थोड़े पैसे हम देते हैं ताकि उसको यू नो थोड़ा सा बड़ी हो रही है तो थोड़ा बहुत आना चाहिए उसको बाइंग परचेजिंग। पॉकेट मनी नहीं स्टार्ट किया आपने? 10 रुपीज, हाँ 10 रुपीज का पॉकेट मनी दिया उसको जॉब, तो थोड़ा बहुत आना चाहिए ना बच्चों को खरीदना और ये सारा आपका कैलकुलेशंस है ना। सो अभी चढ़ाऊंगी लंच, तो ये मैं आलू गोभी और मटर डाल के एक सब्जी बना रही हूँ, और आटा पूरी ही बना दूँ, आटा वगैरह गूंद के ना पूरी ही बना दूंगी अनन्या के लिए भी दोपहर को, तो वही हम शाम को भी गर्मा गर्म पूरी बेल लेंगे, तो दो दो पानी बनाना पड़ेगा, सुभाष खा नहीं रहे ना, फिर अलग से क्या बनाऊँ अनन्या के लिए, पहले मैं सोचा था खिचड़ी बना लूँ, लेकिन उसने जैसे आलू पूरी सुना कि मेरी दोपहर को आलू पूरी बना दो, एक मिनट चल ठीक है, वही पूरी और वही बना रही हूँ, और देखते हैं या तो शाम को थोड़ा सा हलवा बना लूंगी। सो आलू तो मैंने बॉईल कर लिया था, पर गोभी को ना मैं हल्का सा फ्राई करूंगी थोड़ा सा सरसों के तेल में, नमक डाल के, नमक
लहसुन प्याज वगैरह कुछ डाल ही रही मैं, बस थोड़ा सा अदरक डालूंगी, थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा 4-5 टमाटर लिए थे मीडियम साइज, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। सो के साथ वैसे शेयर करनी वाली है रेसिपी। सो पहले हम सोचे थे कि मंदिर जाते हैं शिव जी का, यू नो लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोग गए थे मंदिर, बट फिर ऐसा लग रहा है कि शायद भीड़ भीड़ हो, सो इसलिए हम श्योर नहीं है जाएंगे नहीं जाएंगे, आई थिंक नहीं जाएंगे। वैसे घर में शिव जी को दूध से अच्छे से नहा दिया है, सो वो तो हो गया है, वो भी थोड़ी थोड़ी कुक हो गई है ना, मैं इसमें मटर डाल दे रही हूँ, कच्चे मटर है ना, अगर फ्रोजन मटर होते हैं तो वो पक जाते हैं जल्दी, लेकिन कच्चे मटर को थोड़ा सा ना फ्राई कर लो तो बेटर है, वरना टमाटर के ग्रेवी में डालो तो वैसे ही जल्दी कुक नहीं होगी। कोई चीज़ हल्का सा फ्राई कर लूँगी। सरसों का तेल लिया, इसमें डाल रही हूँ जीरा, हींग, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी, थोड़ा सा अदरक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, और जो गरम मसाला है ना इसमें लहसुन का पाउडर नहीं है, तो इंग्रेडिएंट्स एक बार चेक कर लेना अगर आप व्रत के दिन बना रहे हो तो। प्लस जो नमक यूज किया है मैंने इसमें, वो आपका सेंधा नमक होता है ना, व्रत वाला जो नमक होता है वो यूज किया है। इसको हल्का सा अभी हिला रही हूँ मैं, बी केयरफुल मसाला जल ना जाए, आप चाहो तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो उसमें। अब इसमें डाल रही हूँ जो टमाटर का पेस्ट बनाया था वो, हल्दी डालना भूल गई तो अभी हल्दी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे पूरी के लिए आटा भी गूंद लूंगी, तो मैंने बस वही आटे में नमक डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है मोइन के लिए। सो ये आटा गूंद लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दिया है, तो इसको ढक के रेस्ट करने को देंगे। टमाटर अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती हुई है, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, बहुत ज्यादा मत डालना सौंफ, है ना, सौंफ जो फ्लेवर है ना टेक ओवर कर लेता है सब्जी का, बट थोड़ा सा डालोगे ना तो बहुत अच्छी वाली जो है खुशबू आती है। इसमें डालूंगी मैं पानी, बहुत सारा पानी नहीं, थोड़ा सा ही पानी डालूंगी। तो इसमें उबाल आ गई है, तो मैं डाल रही हूँ जो बॉयल्ड आलू थे ना उसको काट लिया है, वो डाल रही हूँ इसमें, तो मिक्स कर लेंगे। वैसे आप ना ऐसे सिर्फ आलू की सब्जी भी बना सकते हो, बहुत अच्छी लगती है, गोभी मेरे पास थी, गोभी मटर तो मैंने एडिशन है, वो डालोगे तो भी ठीक है, नहीं डालोगे तो भी ठीक है, आलू की सब्जी ऐसे बहुत अच्छी बनती है। बस ये हो गया, अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, एंड में थोड़ा सा चाट मसाला, धनिया पत्ता डाल देंगे। तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, बिकॉज सुभाष ने बोला थोड़ा सा और ग्रेवी चाहिए सुभाष को, मुझे ना ड्राई पसंद है, सुभाष को ना ग्रेवी वाली इस तरह की ग्रेवी पसंद है, तो चलो एनीवेज थोड़ी सी ग्रेवी बना रही हूँ। उसको मैंने 2 मिनट ना ढक के कुक किया है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, मिक्सी रेडी है हमारे बिल्कुल यम्मी वाले आलू की सब्जी। बस हो गया, इसको मैं बंद कर दूंगी। सो अनन्या एंजॉय करिए गर्मा गर्म पूरी, आज अनन्या अकेले लंच कर रही है हमारे घर में, यहाँ पे खुशबू आ रही है, ए व्रत है तुम्हारा, ये देखिए यहाँ पे खड़ो के खुशबू सूंघ रहा है पूरी का व्रत है इंसान का, है ना, तो व्रत तो क्या खुशबू नहीं आएगी, नाक बंद करके रखो। वैसे बचपन में तो मैं सिर्फ एक बार फ्रूट खाती थी, इस टाइम पे एक ग्लास पानी पीती थी, पर अभी ना कुछ ऐसे भूख सी नहीं लग रही है, तुमको खाना कुछ केला वगैरह, नहीं मुझे ऐसे कुछ भूख नहीं लग रही, देखते हैं So, मन करेगा तो आना ध्यान से। और अनन्या एक ड्राइंग बनाई है, छुपा रही है ड्राइंग को, कहाँ है, अरे कोई बात नहीं, बाद में अच्छा बना के दिखा दे रहा, रुको दिखाती है, देखो रुको इस साइड से दिखाती हूँ। अनन्या बेचारी हमारा कार का वेट करते करते, अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जिसने ऊपर सुबह दिखाना मेरे एक हाथ से पकड़ा हुआ है, ये बनाया है ना, ये टेस्ला का बना दिया टाटा की जगह, तो ये हमारी नेक्सॉन गाड़ी है जो फिलहाल यहाँ पे पता नहीं आएगी लोगों के साथ तो ये हमारी नेक्सॉन लिखी हुई नेक्सॉन गाड़ी है हरे रंग की, और ये अनन्या लहंगा पहन के गई है मस्त, और ये मैं हूँ, ये पापा है, और ये कौन वहां का जो वर्कर जो चाबी दे रहा है, चाबी ये बड़ी वाली, और केक वेट कर रहा है, केक यहाँ पे वेट कर रहा है, डिटेलिंग देखो बस लोगो गलत हो गया, तो अनन्या ने बाद में क्या लिखा, प्लीज इसको टाटा समझ लो, ये टाटा की गाड़ी है, टेस्ला की भी होगी तो चलेगा हमको, भाई हमें ज्यादा खुशी होगी अनन्या टेस्ला होगा तो, भाई मैं बोलूं मुझे ज्यादा खुशी होगी टेस्ला की, तो सुभाष को क्या बोलना, सुभाष भाई टाटा इंडियंस मुझे ज्यादा खुशी होगी, इंडियन टाटा, सुभाष का टाटा तो ऐसे जैसे ना खून में रोम रोम में टाटा है, ऐसा लगता है टाटा ने पे किया हुआ सुभाष को कि भाई बोल टाटा बोल टाटा बोल टाटा बोल टाटा 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 टाटा, तो खाया नहीं जा रहा था, यहाँ पे व्यू देखते देखते ने को खाने का मन कर गया, जा और ये पूरी देखो कैसे खाई है, दिखा सुभाष देख कटोरियां बना दी इसने पूरियों की, सब पूरी कटोरी बना दी। सो मैंने तो चेंज कर लिया, सोने गई, नींद ही नहीं आई पता नहीं क्यों, तो अभी बनाऊंगी चाय, और सुभाष चाय नहीं बना रहे, सुभाष आज मस्त बैठे हैं, किसने उठा दिया, देखो पढ़ने बैठाया था ना वो बुक, वहाँ पे कौन पढ़ रहा अकेले अकेले, अनन्या पढ़ रही थी तो उसको पढ़ाया मैंने, फिर मैं गई कि मैं चलो सो जाती हूँ, लेकिन फिर नींद ही नहीं आई, चलो एनीवेज अभी टाइम हो रहा है ये। पता नहीं हमारी टेस्ला की गाड़ी कब आएगी, कब से वेट करना, नेक्स्ट वन का रहने, नेक्स्ट वन की गाड़ी आएगी, नेक्स्ट वन की गाड़ी आएगी, टेस्ला की गाड़ी,
टेस्ला की गाड़ी तो आप देखो अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो तो आप टेस्ला की गाड़ी लेके आना। चलो चाय चढ़ाते हैं, बिंदी ना निकालने का मन नहीं करा, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है बिंदी लगा के। सो यहाँ पे चढ़ा दिया थोड़ा सा हलवा, तो आज आलू पूरी है तो साथ में हलवा तो बनता ही है, तो थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ। सो हलवा भी ऑलमोस्ट होने वाला है, थोड़ा ड्राई ड्राई करके बना रही हूँ मैं आज हलवा। इस पॉइंट पर मैं इसको ना बंद कर दूंगी ना, तो थोड़ी देर में ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो जाएगा। साथ में बोलो सुभाष, पूजा कर लेते हैं। सो हलवा बना लिया है तो अभी हम करेंगे पूजा, उसके बाद फिर अपना व्रत खोलेंगे। जनरली मतलब हर जो पूजा होती है सबके नियम विधि होते हैं, बट श्रद्धा से हम करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नियम फॉलो नहीं करती हूँ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कायदे कानून रहते हैं। स्पेशली शिवरात्रि की निर्जल व्रत होता है, रात भर सोना नहीं होता है, कीर्तन वगैरह होती है, अगले दिन पूजा करके फिर खाते हैं। सो वैसे फॉलो करें तो बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत सारे रूल्स हैं, बट अपनी श्रद्धा से जितना होता है हम उतना ही करते हैं। सो अभी हम पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम जाके अपना व्रत खोल लेंगे। वैसे यहाँ से रख लीजिए, पूरी साइड से, कहाँ से? इस साइड से, वहाँ से करते हैं ऐसा, पूरा हाथ कवर होता ना तो तेल आता था ऊपर, तो यहाँ से क्या हल्का सा। ओ, ऐसा टिप्स, देखो क्या फूल रही है, मधुरी बनाओ और पूरी फूले ना तो उसकी खुशी अलग होती है, और अगर चुपस जाए ना तो बिल्कुल मजा नहीं आता है। इस साइड से, हाँ, ये लो, ये लो, बस खुश ले, चपकी गई ऊपर। अरे तो ऐसे थोड़ा डालते हैं यार, अरे ऐसे नहीं, देखो मेरे हिसाब से कर, अरे आधा तेल में डाल के फिर उसको नीचे फिसलते हैं। अरे वो मेरे हाथ में सर चिपटा है ना। अच्छा मैं लगाता हूँ, रुक जा, नहीं प्लीज प्लीज, मैं डाल के दिखाऊंगा तुझे। सुभाष सिखाएंगे अभी पूरी कैसे डालना है। हाँ डालो। ओह हाँ, अभी अभी क्यों गई नीचे, दबाओ दबाओ ना फूलेगा नहीं, धीरे धीरे ना दबा उसको हल्के हल्के। हाँ ऐसे, हाँ फोड़ दी मेरी पूरी साइड में चिपका के। हाँ नहीं तू नहीं, रेंदो रेंदो रेंदो, क्या फायदा जल गई। पूरी जला दी, ये देखो ऑन स्क्रीन, ये है हमारा मास्टर शेफ आज का, जो सिखा रहा है कि पूरियां कैसे जलनी चाहिए। सो आज हम नीचे बैठ के खाएंगे। हाँ सो ये रहा हलवा, देखिए हलवा कैसे बिल्कुल दानेदार बन गया है ना, मैंने बोला था ना थोड़ी देर छोड़ देते ना तो बिल्कुल दानेदार बनता है। सो ये मस्त बन गया बिल्कुल हलवा, आलू गोभी मटर की सब्जी, पूरी और मिठाइयाँ। सुभाष तो खाने का स्वाद ही अलग होगा ना सुभाष, खुशबू से ही सुभाष तो दोपहर से ही पूरियों की खुशबू सूंघ रहे हैं सुभाष। चलो यार खाते हैं, सुभाष पहले भगवान को चढ़ाएंगे। चलो हम लोग खाते हैं खाना, बिकॉज बहुत तेज भूख लगी है और सामने बिल्कुल रखा हुआ है तो और ज्यादा ऐसा लग रहा है कि खाओ 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 खाओ। चलो सुभाष चले, सुभाष सुभाष को आवाज देने मेरा मजा नहीं आता ना, तो खाना वगैरह खा लिया है, व्रत खोल लिया है, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए। मतलब वॉक हमारा ऐसा हो गया है कि रेगुलरली हमारा हो गया है कि हर रोज वॉक करने जाते ही जाते हैं। चले अच्छा लगता है ना, बाहर की थोड़ी सी हवा लगती है, एक्सरसाइज भी होता है और थोड़ी सी बाहर मौसम भी अच्छा हो रहा है। सुबह दरवाजा देखना वहाँ पे हवा आ रही है, खुला है कि बंद है। तो आज देख मेरा मास्क भी बिल्कुल मेरा मैच हो गया, मास्क और टॉप मैचिंग मैचिंग हो गया। क्या हो गया? हेयर बैंड भी हो गया। अच्छा हाँ हेयर बैंड भी हो गया, सब मैचिंग मैचिंग, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग गर्ल हो गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज व्लॉग आज खत्म करती हूँ। आई रियली होप आपने एंजॉय किया होगा, एंजॉय किया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। See you again until next time. To you all, take care and stay safe. Bye-bye.